अभी अभी आप लोग संकीर्तन सुन रहे थे ग्राम बनाहवा परसा के बाल मंडली के मुखारविंद से। तो यह राधा और श्री कृष्ण के प्रति बहुत अच्छा सा वचन था। निश्चल और जो है जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से करती थी, जो कि श्री कृष्ण के बगैर उन सभी गोपियों को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता था और घर के काम काज में जो है व्यथा होता था। इसलिए घर के लोग उन गोपियों को कुछ जो है अच्छा भला बुरा कहते थे। इसलिए तंग आकर के गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे कन्हैया आप अपने बंसी के स्वर को न सुनाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बंसी के स्वर जिन गोपियों के कानों में पहुंच जाती है तो वह सारे काम काज को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बाधित होकर के उनके पास पहुंच जाती है। तो बहुत सुंदर भजन था। इसमें हम जो है पूरे नगरवासी और जकर्ता महोदय की तरफ से इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो आइए भक्तों अब आप लोग के सेवा में उपस्थित ग्राम सोनबरसा, ग्राम सोनबरसा के संकीर्तन मंडलीगढ़ ये लोग भी अपने मुखारविंद से भजन सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इन लोग के भजन को सुने और उससे थावे सुबह
हेलो आदरणीय भक्तों, अभी अभी आप लोग संकीर्तन सुन रहे थे। ग्राम सुनवर्षा के संकीर्तन मंडलीगढ़ के मुखारविंद से, तो बहुत अच्छा सा भजन था। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रति यह जो है बहुत सुंदर भजन था। तो इसमें हम अपने पूरे नगरवासी और जकर्ता महोदय की तरफ से लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, तो आदरणीय भक्तों, अब जो है आप लोग इस सेवा में उपस्थित हैं एक माता जी।